भाई लोग, क्या हाल है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके ऊपर है। आज की वीडियो है हमारे खुफिया अड्डे के ऊपर। तो पहले मैं सरजू से पूछ लूँ एक बार। तो सरजू, तुम मेरे खुफिया अड्डे में मेरे सीक्रेट एजेंट बनोगी? बनोगे? हाँ, इसने हाँ बोला तो ये बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, वो बहुत स्पेशल है। वो है मेरा नाम। भाई मुझे इस नाम को बनाने में कल पूरा रात का समय लगा। कल मैं 3 से 4 गान भी फटी थी उसे बनाने में। खैर सीरियसली, तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपने घर के नीचे ज्वालामुखी के अंदर, क्योंकि वहाँ मेरे जो दूसरे एजेंट हैं जो मैं सारा काम संभालते हैं। तो पहले मैं उनसे पूछ लूँ तक खुफिया अड्डा, क्योंकि अगर मैं भी भूल जाता हूँ कि मेरे पास एक खुफिया अड्डा भी है। खैर छोड़ो, ए राजू, राजू काजू सुन मेरी बात। तो अभी मैं जाने वाला हूँ मेरे सेकेंड खुफिया अड्डे पे। तुम दोनों का काम है मेरे घर का ख्याल रखना, इतना ख्याल रखना कि अगर मैं भी आऊँ तो मुझे भी गुस्से मत देना। समझे 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 मेरी बात, बोलना बे। गूंगा है क्या? बोल बोल, समझा? समझे अच्छू तो समझा, तो ये समझ गया। तो अब हम चलते हैं, लेकिन चूंकि ये अड्डा एकदम सीक्रेट है तो सबसे पहले हमें आसपास नज़र दिख रही होगी, वरना कोई भी ऐरा गया ना तो कहरा इसके अंदर आ जाएगा। और फिर बिल्कुल आस पास का कोई नहीं है, शांति से शांति से कोई नहीं दिख रहा है। शीप भी उधर मुँह करते हैं, धीरे से हमें जाना होगा अंदर। ये रास्ता किधर है? नहीं रास्ता यहाँ से नहीं है। ये इतना खुफिया अड्डा कि कभी मैं भी भूल जाता हूँ कि जाना कहाँ। स्टार्ट, और भाई स्टार्ट उसने मुझे देख लिया तो सॉरी लामा, मुझे तुझे मारना होगा कि से मेरे सीक्रेट अड्डे का पता चल चुका है। ये और गाना बता दें इसलिए मुझे करना पड़ा। फाइनली हमारा खुफिया अड्डा बन चुका है और वो गेट खुल चुका है, और गेट ये रहा जो देखने का है। इसने मुझे फिर से देख लिया, कोई देख नहीं रहा है, सीट करूँगा तो कोई देखे इसके पहले वापस अंदर चलना चाहिए, वरना फिर से कोई ऐड़ा गैड ना कोई कैडा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सीधे ऊपर से फाइनली ऊपर से बंद हो चुका है। ये इतना खुफिया अड्डा बन चुका है कि मैं भी नहीं पहचान पाऊँगा। स्विच खींचा, गेट खुल गया है और अब हम आ चुके हैं मेरी एक्वेरियम हाउस में। ये मेरा एक्वेरियम हाउस है जहाँ मैंने 3 डॉल्फिन पाल के रखी है। और सबसे पहले मैं अपने प्यारे तोतू को यहाँ लाऊंगा। एक मिनट, ये मेरा तोतू नहीं है, ये तो कोई और है। और अब इन दोनों को मेरे अड्डे का पता चल चुका है। अगर ये बात बाहर लीक हुई तो बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे लिए। सॉरी बच्चों, ये भी मेरे तोतू नहीं है, मेरे पास एक ही उपाय है। ओ भाई, यहाँ कोई है नहीं, कोई आया उसके पहले मुझे इन्हें चुप कराना होगा। यहाँ पे अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मुझे जेल हो जाएगी। पहले सबका मुंह बंद कराऊं, सरजू को अब बुला के देखता हूँ। फाइनली मेरा सरजू आ चुका है। सरजू तेरा काम है मेरे इस खुफिया अड्डे का, तू एजेंट है, खुफिया एजेंट। थारा काम थाको मालूम है? थाको नहीं, थारे को मालूम है, मालूम है? तो ठीक है, सरजू समझ चुका है यहाँ क्या करना है। तो अब हम कटते हैं यहाँ से, वो भी जल्दी से। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो ऊपर बिरला वाइट सफ़ेद पुट्टी लगाई है मैंने, तो उसे साफ कर दो पहले। सफ़ेद नहीं, ये ब्राउन पुट्टी है। खैर कोई ना,
पुट्टी पुट्टी होती है। ओ भाई साहब, बाहर में बड़ी तेज बारिश हो रही है। फाइनली हमने स्विच बंद कर दिया, बंद। तो अब मुझे अपने सेकेंड अड्डे में ही जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ किसी से पूछना हो, किसी विलेजर से। तो यहाँ विलेजर, ये रहे विलेजर अंकल। तो विलेजर से पूछता हूँ, एक सेकेंड, ये विलेजर नहीं है, ये तो ज़ॉम्बी है। हाथ उठाता है मेरा ऊपर मातर तात इटी तोत। तो फाइनली ज़ॉम्बी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और तब से मारे ही जा रहा है इसको। तो मैं उसकी में खोपड़ी खोल रहा हूँ। तो फाइनली मैंने ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल दी। कोई ना कोई ना, अब कल सुबह होने का वेट करना है, पहले मुझे जाकर सो जाना चाहिए। सॉरी फिलहाल इसे लूज मोशन हो गया है, थोड़ा समझा करो। खैर कोई नहीं, फाइनली सुबह हो गई है। और रैबिट्स क्या बात है, कितने क्यूट है। एक मिनट, ये क्या, वो पिगी लावा के अंदर आत्महत्या कर रहा है। ओ पिगी भाई, तेरे को तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या। ए पिगी नहीं, हट वहाँ से, हट, मुड़ गया यार। पिगी को जाकर बोलना यार, बोलो पिगी को। क्या करता हूँ, फाइनली पिगी को हटाना होगा। पिगी हट, पिगी को मैंने हटा दिया। ओह वाओ रैबिट्स, ये रैबिट भी वही कर रहे हैं। ये रैबिट अंदर जा चुका। ए छोटे नहीं, ये मारा गया लावा से। रैबिट नहीं रहा, तो वो बेचारा अब नहीं रहा। इसकी याद में हम यार, वो बड़े अच्छे आदमी थे। नहीं आदमी नहीं यार, वो बड़ा अच्छा प्राणी था। हम सभी मिस्टर रैबिट को हमेशा याद करेंगे। ए चिकन, एड़ा है कारे, तेरे दोस्त यहाँ मर गया, तू यहाँ वहाँ घूम रहा है, क्या खाता है बे। खैर कोई ना। तो फाइनली गाइस, हम अपने सेकेंड अड्डे पे जा रहे हैं। यहाँ से आगे ज़ॉम्बी है, एक ये ज़ॉम्बी नहा रहा है किसी के साथ। एक मिनट, ये मेरे तोतों के साथ नहा रहा है। यहाँ पर आसपास में कोई ढेला नहीं है, तो मैं कसम से खोपड़ी फोड़ देता। इसकी खोपड़ी बाद में फोड़ूंगा, पहले अपने अड्डे में चलते हैं। तो ये इतनी नीचे बनाया है, इतना नीचे बनाया है, जितना नीचे बना नहीं सकते उतना नीचे बनाया है। तो ये है मेरा आलिशान महल। इसे बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे लगे थे। हाँ, चिप्स विप्स खाते खाते लग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने इन सभी हाउस का ट्यूटोरियल लाऊं कि इसे कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को 50 लाइक्स कम से कम पहुंचाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा होम का मैं ट्यूटोरियल दूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए गुड बाय।